आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी होने वाली है यानी कि किस तरीके से हम अपने ज़िंदगी के मामल को देखते हैं हम कुछ प्लान जब करते हैं तो उसको लिखते हैं और उसको जो है ना अपने पास एक उसका क्लाउड बनाते हैं यानी उसका एक बादल बनाते हैं वो एक सोच तक ही महदूद रहती है हमारे और जब हम इस पर अमल में लेकर आते हैं तभी वो उसकी जो है हमें ख़ास फ़ायदे वाली चीज़ नज़र आती है यानी कि एक सोच का हमारे जहन में आना और उस सोच का जहन से निकल जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को पहले लिखते हैं इनोवेशनस करते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं यानी कि एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में अहम है यानी एग्जीक्यूशन के बाद ही वो चीज़ सामने आती है यानी कि बरसता हुआ बादल का बारिश बरसाना ही एग्जीक्यूशन कहलाएगा तो हम उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होती हैं यानी कि अमल पैरा करना किसी चीज़ को और इसी तरीके से अमल पैरा करने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल से सीख रहे होते हैं असल में बात यह है कि हमारी सोच हमारे इर्द गिर्द माहौल से ही बनती और टूटती है जिन लोगों में हम ज़्यादा होते हैं ज़्यादा उठते बैठते हैं इसके अलावा जिस माहौल में हम होते हैं और जो हम खाते पीते हैं ये तमाम चीज़ें हमारे सोच के बनने में और टूटने में और उसकी ज़ामिन होती हैं इसी सिलसिले में ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लाशी तौर पर सीख रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी से जैसे कि हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर इनटेक होती रहती हैं और वो हम वक्त के साथ साथ खुद खुद सीख रहे होते हैं लेकिन हमें उसके सीखने का इल्म नहीं होता हमारे पास सक्सेस को हासिल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं यानी कुछ लोग जो आगे बढ़ते हैं फिर एक से दो दो से तीन और तीन से चार होते चले जाते हैं और फिर उन लोगों का एक बड़ा क्राउड बन जाता है कभी भी हमारी सोच में हमारी फिक्र में तमाम लोगों की फिक्र का एक साथ एक जैसा सोचना मुमकिन नहीं है लेकिन सबको एक टीम के साथ लेके चलना मोबाइल को मुमकिन है कि किस तरीके से हम उसकी टीम मैनेजमेंट करते हैं सबकी सोचों को लेके चलते हैं और उसके अलावा जो अहम चीज जो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमेशा अच्छी सोबत इख्तियार कीजिए अच्छी सोबत से ही आपकी सोचने और फिक्र सोच समझने की सलाहियतें अच्छी और निखरती चली जाएंगी इसी तरीके से हमारा जो इनपुट होता है वही डिसाइड करता है कि क्या आउटपुट होना है यानी कि हमारा माहौल हम किन लोगों से मिलते हैं किन लोगों से बैठते हैं किन लोगों से बातचीत करते हैं ये तमाम चीज़ें ही हमारे को डिसाइड करवाती हैं कि हमने आउटपुट क्या देना है यानी कि हमने क्या सोच पर क्या अमल करना है और किस तरीके से सोचना है और क्या बोलना है ये तमाम चीज़ें हमारे आउटपुट होती हैं हमारा अमल हमारी जो स्पीकिंग है वो सब कुछ हमारा आउटपुट है जैसे एक तस्वीर का रुख अगर हम देखें कि तस्वीर के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको निखार देती हैं अगर उनको निकाल दें तो वो तस्वीर बेमानी हो जाती है और इसी तरीके से हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो हमें बहुत सारी चीज़ों पर सोचने में मजबूर करती चली जाती है कि हम क्या हैं हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए ये तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द के माहौल से हमें मिलती हैं और जब जब हमारा इर्द गिर्द का माहौल ऐसा ना हो तो हमें वो माहौल क्रिएट करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं और वही किताबें हमें ये तमाम चीज़ें सिखाती हैं कि हमें अब क्या डिसीजंस लेने हैं क्या अमल पैरा कर रहे हैं और क्या चीज़ों पर सोचना है तो अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वालेकुम।